नोएडा पुलिस के एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी किया करते थे। यह लोग काफी लंबे समय से दिल्ली गुड़गांव एनसीआर में सक्रिय थे। यह लोग ई सिगरेट नेपाल बॉर्डर से वह चीन के अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर से खरीद करते थे व गांजा उत्तराखंड से खरीद के दिल्ली के रोहिणी में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। दिल्ली रोहिणी जैसे पॉश इलाकों में बने बार के अंदर युवा पीढ़ी को ये नशे की लत बेचा करते थे। बता दें कि साथ ही साथ गांजे की भी तस्करी किया करते थे। पुलिस द्वारा दोनों तस्करों से और पूछताछ की जा रही है। सप्लाई किया करते थे ये देखिए सेक्टर 39 के प्रभारी निरीक्षक और उनके टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से प्रतिबंधित ई सिगरेट मिला है और अवैध गांजा और ये जिस वाहन से लेके आ रहे थे वह वाहन भी बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ में यह जानकारी प्रकाश में आई है कि ये व्यक्ति नेपाल से ले करके ये ले आते थे और दिल्ली में रोहिणी के आसपास सप्लाई करते थे। सर ये कितने वक्त से काम कर रहे थे और कहाँ कहाँ इनके ठिकाने थे या कहीं स्टोरेज इन्होंने यहाँ पर बना रखा था? यहाँ पर स्टोरेज के बारे में तो इन्होंने नहीं बताया लेकिन ये बताया कि इसके पहले भी एक खेप ये पहुँचा चुके थे रोहिणी में और उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। सर क्वांटिटी और दाम पे बात करेगा ये करीब 1000 ई सिगरेट बरामद हुए हैं और ये जैसा कि बताया गया अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट टोबैको ऑफिसर से भी बात हुई है उन्होंने बताया कि 5 से 6 हजार रुपए एक की कीमत है तो करीब 50 लाख रुपए की कीमत के ये माल बरामद हुए हैं। सर इनका मॉडल्स और ऑपरेटिव क्या था? ये नेपाल से इनका नेपाल में कोई गिरोह का साथी है उसके द्वारा इनको उपलब्ध कराया जाता है और पूछताछ में पता चला है कि ये नेपाल वाला जो है वो चाइना मेड आइटम वहाँ कलेक्ट करता है फिर इनको सप्लाई करता है और ये अपने वाहनों से लेकर के यहाँ आसपास सप्लाई करते हैं। सर नोएडा में कभी सप्लाई किया है? इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है। नोएडा पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे हुई? ये हमारे द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के क्रम में सूचनाएं निरंतर इकट्ठी की जाती है और पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हमारी टीम निरंतर कार्य करते रहती है। उसी दौरान यह सूचना प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर हमारी टीम ने यह बरामदगी की है। सर नेपाल से जो खेप भेज रहा था वो ट्रेस आउट हो गया? अभी नाम उसका पता चला है लेकिन उसके बारे में जानकारी विस्तृत जानकारी करके उसके खिलाफ भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर क्या इनके ऊपर कोई पहले से भी आपराधिक इतिहास दर्ज है? अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास हमें मिला नहीं है लेकिन हम आसपास के जिलों और उत्तराखंड से भी जानकारी कर रहे हैं। ठीक सर थैंक यू। पकड़ने वाली टीम को कुछ नाम भी दे रहे हैं? जी पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा 50,000 रुपए 25 हमारी मतलब लिमिट है 25। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।